हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आइए, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करते हैं एक दूसरा जो है सो गीत है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ये जो गीत है सुहान लागे रे, जो पाठ्य पुस्तक है जिनके संपादक दिनेश दिनमणि जी हैं, वो किताब से लिया गया है। और मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे, ये जो शिष्ट खोरठा गीत है दोस्तों, ये जो लिखे हैं इसको लिखे हैं सुकुमार जी। कौन लिखे हैं? सुकुमार जी। सुकुमार जी इनको लिखे। इनका जो पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, ठीक है। इनका जीवनी मैं मेरे चैनल पे मैंने डाल दिया, आप उसको जाकर के देख लेंगे, है ना। तो ये जो मांदर बांजे रे बांसी बाजे रे, देखिए इनका जो तात्पर्य है ये है, यहाँ पे सब कुछ बचता है, मांदर भी बचता है और बांसी, बांसी का मतलब हो गया बांसुरी, बांसुरी वही बांसुरी जो श्री कृष्ण भगवान बजाते थे, है ना, वही बांसुरी। और मांदर जो है एक प्रकार का ढोल हो गया, है ना, एक प्रकार का ढोल है, एक वाद्य यंत्र है, जो देखिए उसका एक इस जो है सिलेंड्रिकल शेप में होता है और बड़ा होता है ना, ठीक है। इसको ड्रम स्टिक से पीट पीट करके बजाया जाता है ना, गर्दन में टांग करके, ये है, ठीक है, मांदर बाजे रे। और इसको बैठ करके भी लोग बजाते हैं, कहीं एक जगह स्टेबल होकर के बैठ जाते हैं और इसको वहां रख करके बजाते हैं, ठीक है। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है। सुकुमार जी इसमें झारखंड में जितने भी जो महत्वपूर्ण पर्व है, सरहुल, कर्मा, सोहराय, बौड़ी पर्व, टुसु पर्व, सभी जो गीत है, सभी ये जो पर्व है दोस्तों, ये सभी पर्व में आप देखते हैं मांदर वगैरह बांसुरी वगैरह जो है बजाया जाता है। और झारखंड के जो सभी महत्वपूर्ण पर्व है, वो सभी पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। और जब प्रकृति का जब पर्व होता है, वहाँ मांदर बांसुरी ये महत्वपूर्ण, ये जो वाद्य यंत्र है ये जरूरी बजता है। मौसम बदल सकते हैं, पर्व बदल सकता है, लेकिन मांदर का बजना और बांसुरी का बजना बदल नहीं सकता है। हर प्रकार का पर्व में ये मांदर और बांसुरी गीत जो है इसे ये धुन निकाल करके बजाया जाता है, है ना। और इसके साथ लोग झूमते भी हैं और नाचते भी हैं और गाते भी हैं, ठीक है। तो आइए इस ये जो लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा, जरा इनको देखते हैं क्या लिखे हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गदम झूमर लागे रे, कि मांदर बज रहा है और बांसी भी बजता है। और अखरा में, अखरा माने होता है मैदान में, गदम, गदम मतलब हो गया गर्दा उड़ा के भारी, है ना, गर्दा उड़ा के भारी मात्रा में, है ना, बहुत जोरदार तरीके से, बहुत अच्छे से, है ना, अखरा में झूमर लगता है। क्या लगता है? झूमर। देखिए झूमर लगने का मतलब क्या हुआ, ये झूमर जो है एक प्रकार का जो है डांस है जो गीत के साथ गाया जाता है। झूमर जो है एक प्रकार का नृत्य है। क्या है? नृत्य है, जिसे गीत के साथ, जिसे गीतों के साथ नाचा जाता है, मतलब जिसे गीतों के साथ में जो है ना नृत्य किया जाता है। एक प्रकार का नृत्य है जिसो गीत के साथ, जिसमें, है ना, जिसमें गीत के साथ नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो ये जो झूमर है कर्मा वगैरह में लगता है, है ना, बहुत बेहतरीन लगता है झूमर। और कर्मा का झूमर बहुत फेमस है, ठीक है। और भी एक दो पर्व होता है जहां पर ये झूमर जो है सो लगता है, जैसे कि आपका सोहराय वगैरह में लग जाता है, सरहुल वगैरह में लग जाता है। तो झूमर लगना बड़ा ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ये अखरा में लगता है, एक प्रकार का मैदान में ही लगता है, ठीक है। जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, जखन माने कि जब, जब कर्मा आता है या सोहराय आता है, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। टूसू, टूसू भी एक परब है, टूसू परब, क्या नाम है इसका पूरा, टूसू परब, टूसू परब। ये जो परब है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन ये परब मनाया जाता है, ठीक है। तो टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, कि टूसू का विरंग बड़ा मिजाज है, उसका तो कहले नहीं है। डोहा के सूरे झूमे बावड़ी पूरब, देखिए बावड़ी पूरब, बावड़ी पूरब भी कहा जाता है। देखिए बावड़ी पूरब, देखिए ये जो मकर संक्रांति को कहीं टूसू पर्व के नाम से जिसे जाना जाता है, कहीं मकर संक्रांति, जैसे हम लोग जो है बेसिकली लोग मकर संक्रांति
जैसे हम लोग बेसिकली जो लोग हैं झारखंड वासी, तो मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, टुसू पर्व, खास करके जो आदिवासी भाई बहन हमारे जो हैं वो लोग टुसू पर्व जो है मनाते हैं। और जो टुसू पर्व जो है, ये जो पर्व है ये एक प्रकार का जो है टुसू नाम की कन्या होती है ना, तो वही टुसू नाम की कन्या जो होती है उसकी स्मृति में, उसकी याद में ये जो पर्व है मनाया जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर पंच परगना में, है ना, पंच परगना में टुसू मेला भी लगता है। टुसू मेला और ये पंच परगना कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर पंच परगना और पंच परगना का मैदान है दोनों, ठीक है। चलिए, और जो है टुसू पर्व में देखिए क्या होता है कि इस दौरान जो लड़की लोग होती है ना, एक रंगीन कागज से जो है, एक रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है, ठीक है। और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में इसे जो है पूजा पाठ करके उस जो नदी है वहां पर प्रवाहित कर दिया जाता है इस पर्व के दौरान में, है ना। और टुसू जो है कन्या उसके याद में मनाया जाता है। और कर्मा जो है ये बहन के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है भाइयों के लिए, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, है ना, बताना जरूरी नहीं है। सुहराई जो पर्व है, इस पर्व को दोस्तों कहीं कहीं गुहाल पूजा भी कहा जाता है, कहीं गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, देखिए कहीं कहीं गुहाल पूजा भी कहा जाता है, गुहाल पूजा है, कहीं इसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, गोवर्धन पूजा भी इसको कहीं कहा जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं गोरैया पूजा भी कहा जाता है सोहराय को। देखिए सोहराय ये जो पर्व है इसी दो बार मनाया जाता है। देखिए मैं दो बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक जो सोहराय है वो दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे मनाया जाता है, एक जो है सोहराय वो दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, ठीक है। और एक जो सोहराय है दोस्तों ये मनाया जाता है, ये एक जो सोहरा है ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है पूस महीना में, जब फसल वगैरह कट जाता है ना पूस महीना में, तो फसल कट जाने के बाद पूस महीना में, मतलब बेसिकली समझिए कि अप्रैल, अप्रैल जी हाँ, मार्च अप्रैल के महीने के आसपास ये सोहराय पर्व मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। तो जो पूस महीना में मनाते हैं इसको आदिवासी लोग मनाते हैं खास करके, ठीक है। और ये जो सोहराय पर्व है जो दिवाली के अगले दिन मनाते हैं, जिसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है इस दिन। हम भी मनाते हैं, आप लोग भी मनाते होंगे, और भी जो हमारे झारखंड राज्य के बाहरी वाले जो राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं वहाँ भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। और जो आदिवासी के द्वारा जो पूष महीना में सोहराय मनाते हैं, इसमें ये जो सोहराय पर्व आपका हो जाता है, इसमें आदिवासी लोग क्या करते हैं, फसल कट जाने की खुशी में ये है जो है ये पर्व मनाते हैं। और इसमें घर के दीवारों पर तरह तरह का पेंटिंग करते हैं, मिट्टी के जो दीवार होते हैं तरह तरह के उसमें पेंटिंग वगैरह आ करके करते हैं, उसको बनाते हैं, है ना, और उसमें चावल पत्ती वगैरह से उसको सजाते हैं। बहुत अच्छा पर्व है ये सोहराय भी, ठीक है। चलिए आइए आगे, तो डोहा, डोहा जो है एक प्रकार का डोहा, डोहा जो है दोस्तों देखिएगा ये डोहा एक प्रकार का गीत है, डोहा एक प्रकार का गीत है कि डोहा के सुरे झूमे बावड़ी पूरब, कि डोहा का सुर में, डोहा का गीत में बावड़ी पर्व भी झूमता है। सरहुल आवैथी गोटे झारखंड बताओ, जो सरहुल आता है पूरा झारखंड मता जाता है। देखिए सरहुल हो गया, सरहुल को कहा गया है फूलों का पर्व, सरहुल को कहा गया है फूलों का पर्व, सरहुल को कहा गया है। देखिए सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, सरहुल जो पर्व है ये पर्व दोस्तों मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में, चैत चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, तृतीया शायद गलती लिखा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, है ना, सही जो होगा आप उसको सही कर लेंगे। तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया में, दो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल। और सरहुल जैसे आता है पूरा झारखंड मता जाता है। देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, कभी सरहुल जिस महीना में आता है ना दोस्तों, उस महीना में ये जो झारखंड के जो पेड़ हैं महुआ का पेड़,
उसमें महुआ का फूल फूलने लगता है और भारी मात्रा में फूल गिरता है जिससे शराब बनता है। तो इस दिन क्या करते हैं लोग, झारखंड के लोग है ना, मता जाते हैं पूरा माड़ी वगैरह जो है सब पी करके। मताने का मतलब एक खुशी से, एक उमंग के तौर से पीते हैं, एक उमंग के पर्पज से पीते हैं, है ना। तो सरहुल आता है खुशी से लोग, एक तो पर्व का खुशी है। और उस समय मैंने बताया कि एक समझिए कोइंसिडेंस है ना, इत्तिफाक समझिए कि वो जो फूल है महुआ का है ना, जो फल है वो सबसे जो दारू बनता है ना, उससे लोग थोड़ा सा मिक्सिंग करके यहाँ पर जो है मतलब चित्रार्थ किया गया है ना, इस गीत में कवि के द्वारा। ठीक है, तो मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे, झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गूंजे जखन तखन गावे गावे। कि झींगा फूल, देखिए झींगा, झींगा का सब्जी आप लोग खाते हैं बरसात में, झींगी झींगी करेला आप नाम सुनी होगी। तो झींगी जो है लंबा लंबा होता है ये सब्जी, हरा कलर का झींगी, ये जो है लत वाला ये फल है, लत में ये फलता है। ठीक है, तो बरसात में जो है झींगा फूलता है। ठीक है, तो झींगा फूले कांसी फूटे, कांसी भी फूटता है। देखिए कांसी कर्मा का जो पर्व होता है उसमें कांसी का जो है कांसी को लाया जाता है, या जो तीज मनाया जाता है भादो का महीना में, तब जो है इस कांसी को लाया जाता है। तो कांसी और जो झींगा है भादो का महीना में ही जो है फलता फूलता है। ठीक है, और ये दोनों का जो है दोस्तों पूजा पाठ में यूज होता है। तो झींगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। और भादो में ही कर्मा मनाया जाता है। कर्मा कब मनाते हैं हम लोग, कर्मा जो मनाते हैं भादो महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा मनाते हैं। कब मनाते हैं, भादो का शुक्ल पक्ष, भादो भादो महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी, शुक्ल पक्ष का एकादशी। भादो मतलब अगस्त सितंबर है ना, सितंबर स्टार्टिंग और मिड लास्ट अगस्त, तो भादो महीना में मनाते हैं कर्मा। और यही समय जो है देखिए झींगा फूलता है और कांसे भी फूटता है। ठीक है, और गीत गूंजे तखन गावे गावे, कर्मा का गीत गांव गांव में गूंजता है ना। बहन लोग गाती है भैया के लिए, है ना। हम लोग जो गीत वाला जो सेक्शन है वहाँ हम लोग इसको कवर किए हैं और आगे भी कवर करेंगे। ठीक है, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख वचन जी हमर भैया। देखिए कर्मा के जो होता है परिवेशन, जावा डाली को चलाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जावा डाली क्या है, और नहीं आपको पता होगा तो मैंने जो जो मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैंने कर्मा गीत को बताया है वहाँ पे जावा डाली को बहुत अच्छे से बताया। वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं, जावा डाली को सात जो तरह का अनाज है उसको इस डाली में उगाया जाता है जावा के रूप में, और बिलंदरी धान के पतैया, धान धान का जो पत्ता है और बिलंदरी। ठीक है, बहिन कहे और बहन कहती लाखे बछर की, लाख वर्ष हमार भैया जिंदा रहे जिए, है ना। चांद हंसे रे मिंजूर नाचे रे, चांद हंसता है, चांद आसमान वाला हंसता है, मतलब देखते हैं आप चांद हंसने का तात्पर्य है कि बरसात के दिनों में चांद ढका रहता है बादल से, लेकिन जब ये सब पर्व मनाते हैं ना तो बादल भी हट जाता है और चांद भी खिल जाता है और मुस्कुराता है। और मिंजूर माने हो गया मोर, है ना, मोर जो है सो नाचता है। अखरे गदम, अखरा में गर्दा उड़ा के है ना मैदान में झूमर लगा हुआ है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, है ना, बहुत अच्छा गीत है। आइए आगे, झारखंडे जखन आवे सोहराई की दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग तीना, गोरु नागर मलक मारे सिंघी सिंदूर माखे, बरदा के मिरी वे परिछे ढोले ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गदम झुमर लागे रे। मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे, झारखंड के दिन जब सोहराय का दिन आता है, झारखंड में जब सोहराय का दिन आता है सोहराय, उसमें क्या होता है, घर घर में मांदर बजने लगता है और धांग धतिंग तीना। मांदर का आवाज कैसा होता है, धांग धतिंग तीना, ढिंग 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 करके ना, वो फील कीजिए उस साउंड को, धांग धतिंग धीना। गुरु डांगर मलक मारे, और सोहराय मैंने आपको बताया सोहराय क्या है, एक पशु पर्व है, पशु पर्व है, गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। ठीक है, सोहराय पर्व को, है ना। आइए आगे, गुरु डांगर मलक मारे, कि गुरु डांगर माने हो गया कि जानवर, क्या हो गया, जानवर लोग, जानवर सब जो है मलक मारे। मलक मारना का मतलब आप समझते हैं कि
मटक मटक के भूलना, मलक मारे मतलब मटक मटक कर चलना, मलक मारे मैं लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, है ना, मटक मटक कर चलना, मटक मटक कर चलना, है ना, मटक मटक कर, छलक छलक कर जानवर भी लोग चलता है, क्योंकि जानते हैं मेरा पर्व है, हमको पूजा करी, हमको पूजा किया जाएगा, मेरा पूरा इज्जत किया जाएगा, है ना, सिंदूर टीका आरती वगैरह बढ़िया बढ़िया खान पकवान मिलेगा, तो थोड़ा लोग पैतरा में रहता है, तो गोरु डांगर मलक मारे सिंह सिंदूर माखे, और उसका माथा में, माखे मैंने माथा में सिंह में सिंदूर और तेल लगाया जाता है, सजाया जाता है, ठीक ना। और बरदा के मीरे वे परीछे ढोले ढाके, बरदा देखिए बरदा क्या हो गया यहाँ पर, बरदा माने हो गया यहाँ पर जानवर, ठीक है, तो जानवर का जो मालिक है, जानवर का जो मीरवे मने होता है मालिक, मीरवे मने मालिक, है ना, बरदा मने जानवर, जानवर का जो मालिक है इसको परिचता है, परिचना मने क्या हो गया, आरती उतारना एक प्रकार का, नहीं देखते हैं दूल्हा दुल्हन जब शादी ब्याह का त्योहार आता है तो परिचा जाता है कितना प्यार से, तो मालिक जो है इसको परिचता है, कैसे, ढोले ढाके ढोल वोल बजा करके, मांदर मांदर बजा करके, बांसुरी बजा करके परिचता है ना, धान पाके रे, और धान भी पकता है और डांगर भी नाचता है, अखरे गदम झुमर लागे रे, मांदर बाजे रे, बासी बाजे रे, है ना। चलिए आगे, पूस मासे मारू है कनकनी अंगे अंगे, देखिए पूस मासे, पूस का महीना हो गया बेसिकली मान के चलिए जनवरी और फरवरी, ठीक है, और लास्ट दिसंबर, है ना, यही तीन, यही जो है दो ढाई महीने में जो महीना है पूरा रहता है एकदम जाड़ा गर्दा एकदम उड़ा करके, लेकिन यहाँ पर जो है पूस बोल दिया तो पूस में एकदम चिलचिलाती ठंड पूस महीना में ही रहता, और ये पूस वो महीना है, हो सकता है इसमें दो तीन चार दिन जो है सो पूस का दिसंबर में ही आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा दिसंबर, जनवरी में भी और एक आध दो दिन फरवरी में आ जाता है, लेकिन फरवरी में मेरे ख्याल से आने का जो चांसेस दोस्तों ये कम होते नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो पूस मास में, पूस महीना में कनकनी मारता अंग अंग में, इतना ठंडा रहता है कि अंग अंग जो है ठिठुर जाता है, और उसी समय बावड़ी टूसु कांधा जोर आवे एक संगे, एक साथ कंधा से कंधा मिला करके पर्व आता है झारखंड में, इसका नाम है बावड़ी और टूसु, बावड़ी पर्व जिसे पतंग उड़ाते हैं वही मकर संक्रांति, और टूसु बावड़ी मकर संक्रांति हो गया, और टूसु पर्व तो मैंने बताया पहले, चिवड़ा गुड़ लाई पिठा अच्छल गदल घरे, और चिवड़ा गुड़ लाई पिठा जो है ना घर में जो है एकदम भरपूर है, अच्छल गदल में भरपूर, घरे घर भरपूर मात्रा में ये सब चीज है, अच्छल गदल बनम भरा पूरा एकदम पूरा फला फूला भरा एकदम भरपूर, ठीक है। दामुदरे डोहा के जे हाकू है भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, आखरे झुमैर लागे रे, मांदर बांजे रे, बांसी बांजे रे। दामुदरे डोहा की दामोदर नदी के किनारे देखते हैं आप जो बावड़ी पर्व होता है दोस्तों, इसमें लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं, नदी में स्नान करने की परंपरा है, तो दामोदर नदी स्नान करने जाते हैं लोग, डोहा डोहा गा करके, डोहा गा करके भिनसरे जो है सुबह सुबह जो है दामोदर नदी के किनारे लोग गीत गाते हुए नदी में स्नान करने जाते हैं, और वहां पर स्नान करने वाला जो जगह होता है नदी उसके किनारे मेला भी लगता है, आप अगर देखते हैं अगर उज्जैन जाएंगे, बनारस काशी जाएंगे, आप अगर प्रयाग संगम जाएंगे, है ना, आप हरिद्वार जाएंगे तो इस दिन मेला भी लगता है नदी तट के किनारे, और तो और एक जगह तो भूल ही गए हैं, है ना, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर में जो है मेला लगता है कि दिन मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। चलिए वही है, सरहुल पूर्वे के राजा झारखंडे दादा की, सरहुल जो पर्व है ना झारखंड के सभी पर्व का राजा है, कौन, सरहुल जो पर्व है किंग, क्या है, किंग ऑफ ऑल झारखंड, किंग ऑफ ऑल फेस्टिवल ऑफ झारखंड, किंग ऑफ ऑल फेस्टिवल ऑफ झारखंड, झारखंड के जितने पर्व है सभी पर्वों का राजा कौन, सरहुल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, और जब सरहुल का जब पर्व मनाते हैं मार्च अप्रैल के महीनों में, तो ये बेसिकली फूलों का तो पर्व है ही, तो पूरा गाछ वृक्ष में फल फूल है ना फूल जाते हैं लाल पीला सादा एकदम,
ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। और मधु चुए मन मताए माई ते जाहे हवा, और मधु चूता है और मधु चूता है और मन मात जाता है और हवा में। देखिए जब यहाँ तात्पर्य देखिए बेसिकली ये कह रहा है ना कभी कि जब मधु वगैरह जब चूता है, ये जो समय है ये इसमें जंगलों में बाहर आ जाते हैं, रंग बिरंगे जो फूल फूट जाते हैं है ना, और प्रकृति इतना सुहावन देखने को लगता है कि मन मता जाता है और मधु चूता है। मधु चूता है माने आप देखिएगा ये जो भंवरा लोग जो है, मधुमक्खी लोग जो है छत बनाते हैं उसमें मधु जो बनता है इस समय बहुत शानदार बनता है, क्योंकि मधुमक्खी लोग जो है रस चूस चूस करके सभी फूलों से लाते हैं और जा करके वहां पर जो है ना उसमें उसको तैयार करते हैं उस पर छत्ता को, ठीक है। तो वही मधु चुए और मन मता जाता है और मात जाए हवा, और हवा भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और हवा भी जो है मोह जाता है, ठीक है। प्रकृति करा है श्रृंगार नवा नवा, और जो प्रकृति है नया नया श्रृंगार करती है, प्रकृति जो है नया नया श्रृंगार करती है इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक तो जंगल में बाहर आ गया, पेड़ पौधा खिल गया, तरह तरह का फूल फूट गया है ना, और आम का जो मंजूर है इसी सीजन में लगते हैं, मोर नाचते हैं। तो वही है कि प्रकृति नया नया श्रृंगार करती है, नए पेड़ पौधे फूल है ना, सब लता पता सब निकलते हैं, ठीक है। कोयल कुकेरे, और कोयल भी कुकता है और भौरा भी गूंजता है, कोयल कुकता है और भौरा भी गूंजता है, अखरे गदम झूमर लागे रे, और अखरा में गदम झूमर लगता है, मंदर बाजे रे और मासी बाजे रे। इस प्रकार से दोस्तों ये खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा पर्व है, देखिए इसका गिस्ट क्या है, ये जो कविता है इसका गिस्ट यही है, इस गीत का गिस्ट यही है कि जितने भी झारखंडी पर्व हैं इम्पोर्टेंट सबको इसमें सम्मिलित किया गया है और सब पर्व को मौसम के अनुसार जोड़ा गया है, सब पर्व को मौसम के अनुसार जोड़ा गया है और हर पर्व में मांदर और बांसुरी जरूर बजता है और सब पर्व का क्या महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा सोहराय, टूसू पर्व है ना, सरहुल, कर्मा, ठीक है, जावा डाली क्या है, आपको कॉन्सेप्ट ये सब ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इस चैप्टर से बना लेंगे, ठीक है। और क्या बचता है, तो मांदर और बांसुरी बचता है, ध्यान दीजिएगा। साथ में कौन आता है, साथ में आता है बौड़ी और टूसू पर्व लास्ट में है ना, कि कांधे से कांधा जोड़ के कौन आता है, तो कांधे से कांधा जोड़ के बौड़ी और टूसू पर्व आता है। इस दिन चूर है ना, चिवरा गुड़ लाई पिठाई सब खाते हैं। और डोहा, डोहा क्या है, तो मैंने आपको बताया एक प्रकार का गीत, ध्यान देंगे। और दामोदर जो इसमें नदी उसका चर्चा किया गया है, लोग सुबह सुबह स्नान करने जाते हैं इस दिन बौड़ी के दिन, ठीक है, और लगता है मेला। और झारखंड के जितने भी पर्व है सबके राजा कौन है, तो सरहुल पर्व है, ठीक है। प्रकृति नया नया श्रृंगार कब करती है, ये सवाल पूछेगा, प्रकृति नया नया श्रृंगार कब करती है, तो सरहुल पर्व के दिन करती है, ध्यान देंगे। कब करती है, सरहुल पर्व के दिन प्रकृति नया नया श्रृंगार करती है। और झूमर कहाँ लगता है, तो झूमर अखरा में लगता है, ध्यान देंगे, अखरा में झूमर लगता है। और कैसा लगता है, गदम झूमर लगता है, ठीक है। और हमर भैया जिए कते बछर, 100 बछर, 1000 बछर, 1,00,000 बछर, एकर में से कोई ना है, तो हमसे क्या होगा, 1,00,000 बछर, हमर भैया जिए 1,00,000 बछर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद और है कि जो मांदर का जो ताल है, आवाज है, वो कैसा बताया गया, मांदर का आवाज जो धांग धतिंग तीना कहा गया, हाँ, धांग धतिंग तीना जो मांदर का आवाज है। और करम परब जब आता है या भादो का महीना आता है, तो क्या क्या फलता फूटता है, तो झींगा फूल और कांसी फूल, जब भादो आता है तब फलता फूलता है, आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। उसके बाद जो अगला सवाल आपसे बन सकता है वो ये हो सकता है दोस्तों कि सोहराय जो पर्व है वो किसके लिए मनाया जाता है, तो सोहराय जो पर्व है मैंने आपको बताया ये गाय, ये है ना गौ पूजा है, ये गाय, ये गायों के लिए, गरु डांगर के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है आपका जो है इसमें सवाल जो इसमें बन सकता है वो ये है कि मतलब कि कौन सा ऋतु में जो है, कौन सा ऋतु में जो है हवा भी जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो बेसिकली बसंत ऋतु की बात की गई है कि हवा भी मात जाता है। जो लास्ट का जो आपने हमने यहाँ पे देखा लाइन के मात जाए हवा, हवा मात जाने का मतलब इसमें बात किया गया बसंत ऋतु में कितना मौसम
सुहावना रहता है ना, और इसी ऋतु के आसपास सरहुल पर्व भी मनाया जाता है दोस्तों। तो जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करवा दिया है, और इस सेशन का जो इस क्लास का जो पीडीएफ आपको चाहिए अगर आपको, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न झारखंड, वहाँ जाइएगा, आपको इस आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर नए लोगों तक इस चैनल को दोस्तों पहुँचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर ऑन कीजिए, ऑल कीजिए, ताकि जितने भी जो भी कोर्सेज जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे आपको उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।